भी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं ये तार लगाकर। क्या गाना गा रहे हो यार? पहले ये चेक करेंगे बैटरी में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ चेक करने। साइड न्यूज ये है कि कल मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है और मैंने काफी से बताया था, बोला जाके बदलवा लो, तो चलते हैं गाड़ी में बैटरी चेंज कराते हैं। स्टार्ट किया हूँ, गया था खाना लेने, खाना ला के दे दिया है। ज्यादा दूर नहीं, मेरे रूम से करीब ही है। गाड़ी में तेल भी नहीं है, पहले बैटरी चेंज कराएंगे उसके बाद तेल डलाएंगे। आजकल मैं 2-3 दिन से ब्लॉग शूटिंग कर थोड़ा बिजी हूँ इस वजह से। अब ऐसे तो बहुत सारी दुकानें हैं गाइस बैटरी चेंज होने की जहाँ बैटरी मिलती है, लेकिन काकिया तरफ लाइन से सिर्फ और सिर्फ गाड़ी बैटरी की दुकान है। ना क्या मौसम है आजकल मौसम मक्के का काफी अच्छा है हफ्तों से, यह तो इतना अच्छा मौसम जल्दी नहीं होता। धूप यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। ये वाली रोड अच्छा सीधा काकिया जाती है, देख रहे कितनी गजब की बिल्डिंग बनी, पतली सी एकदम है लंबी सी। यहाँ पर लाइन से दुकानें हैं बैटरी की, हो सकता हो इस वक्त बंद हो, नमाज का समय है ना। ये नया मॉल बना, अभी पूरा ओपन नहीं हुआ है, बाद में होगा, धीरे धीरे काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी में आया था खाना लेने के लिए, कपिल ने मंगाया था, इसमें मताम हेरा हेरा नाम है होटल का। 24 रियाल की बिरयानी थी, बाप रे। अभी वैसे दुकान बंद है गाइस, नमाज का समय ना, ये बैटरी की दुकान है वो सामने है, अभी बंद है, थोड़ी देर में खुलेगी, वेट कर लेते हैं। देखो दुकान है, भरी पूरी बैटरी अंदर, गाड़ी देख लो कितनी सटासट भाग रही है, सीधा मस्जिद अल हरम और ये वाली काकिया, सामने देख लो जमजम टावर दिखाई दे रहा है। ये सब पर्दे की दुकान है, पर्दा सोफा सेट में कवर चढ़वाने की दुकान है, लाइन से फाइनली आ गए भाई साहब, दुकान खोल रहे हैं। मैंने इन सभी बात के बोले ठीक है, देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर रहा था। देख लो कितना रिस्क है, अगर कोई अगल पागल आ गया ना, एक ही रोड बची है, सारी बैटरी यहाँ पर है। पहले ये चेक करेंगे बैटरी में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ चेक कर रहे हैं, मशीन लगा के चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत है, बता रहे हाँ बता रहे हाँ कम शुरू से यही आ रहा है, बैटरी खराब है तुम्हारी, अभी ये बता रहे हैं। वही बात कराया मैंने, कुछ कमाई नहीं ना कर रहा, मतलब कि 180 रियाल बताया उससे 1 रुपये नहीं कम कर रहा है। कपिल बोल रहा दूसरी दुकान देख लो, चलते दूसरी दुकान पे, पहले गाड़ी में तेल डलाएंगे, तेल नहीं ना गाड़ी में ज़्यादा, क्या पता बंद हो जाए रास्ते में, पहले तेल डलाएंगे। गाइस अभी हम आ गए बिंदौत की तरफ, यहाँ पे भी बहुत सारी बैटरी की दुकान है, यहाँ से देखते हैं क्या होता है, बात कराते हैं चल के। 10 minutes later गाइस ये बिंदौत के पास दुकान है, यहाँ आया मैं फाइनली, काफी से बात करा दिया, लग भी गई, पुरानी ले लिया और नई लगा दिया, शकल छू बना तो बोल रहे अभी गाड़ी बंद करके चालू करो, बंद कर दिया अब फिर चालू करते हैं। शकल हाँ तो गाइस अभी चालू हो गई है, 1 साल की गारंटी है, फाइनली गाइस लग भी गई, इसका ये बिल है, इसमें अभी डेट लिखेंगे, 1 साल की गारंटी है ना। तो गाइस अभी ये फतूरा निकाल रहे हैं, ये देखो फतूरा निकल रहा है बन के, ये डेट डाल रहे अभी, बिल को फतूरा बोलते, प्रिंट होके निकल रहा अभी, ये निकल आया अभी, इसको इसमें चिपका दिया खलास डेट। ये रहा इसका बिल, कपिल को मैंने व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेज दिया, बिल का भी पैसे का भी कितना लगा, इसको बंद करते हैं, काम हो गया गाइस, चलते हैं अब यहाँ से।
और बिंदोस सामने पूरा काकिया है ये। अभी चलते हैं, अब हम रूम पे डायरेक्ट। गाइस अब मेरी भूख भी लग रही है, आज मैंने नाश्ता एकदम लाइट किया है। बस मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, थोड़ा सीधा ले लेते राइट, सीधा चलते हैं। आज कई दिनों के बाद सोया हूँ गाइस, जस्ट अभी खाना खाया मैंने। गाइस अभी हम आए हैं लड्डू भाई के साथ, इनको कुछ काम है। ये देखो पहले अभी आए, ये तेल डला रहे अपनी गाड़ी में, तेल खत्म है। ये जो है गाड़ी में तेल डलाते समय पहले गाड़ी बंद कर देते हैं, तब तेल डलाते हुए तेल भर रहा है। मैं से आ ही रहा था, बकाले की तरफ जा रहा था, बोले आओ चलो चलते हैं। हमने कहा चलो। वैसे खरीदना क्या लड्डू भाई तुम्हें? मुझे खरीदना भैया आरी ब्लेड, आरी काटना है। आरी क्या बोलते हैं अरबी में बताओगे? वो बोला है सिक्कीन। सिक्कीन बताया, छुरी उरी को सिक्कून बोलते हैं। तेल डल रहा है अभी, कितने का तेल डला रहे लड्डू भाई? 30 रुपया। 30 रियाल कितने डला वो? तेल भर गया और मेरा मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, देखे क्या है। गाड़ी खड़ी कर दिया, अभी हम लोग जा रहे हैं हार्डवेयर की दुकान पे। ये सामने तो शब्बाक बोलते हैं, शब्बाक। क्या बोलते इसको अरबी? गाइस इसको अरबी में इशार बोलते हैं। नहीं नहीं आ रही, क्या करे भैया रेट ज्यादा बता रहा है, क्या करेंगे। तो मैं बुड्ढे से कहा बोला कफिल, बुड्ढा बोला खलास लाते मिस्त्री बताइए, मना कर रहा अभी ना खरीदो, हम खरीद के ला के देंगे, महंगी है। चलो फिर चलते हैं, मेरा भी वैसे भी मैसेज आ गया, कोई काम बता दिया मैडम ने, व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। मौसम काफी अच्छा है, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? गाइस को क्या बोलना चाहोगे? अच्छा है, हाँ बढ़िया, एंजॉय करिए। हाँ लड्डू भाई गाड़ी एकदम साफ रहा थी। हाँ लड्डू भाई खुद ही साफ है। मेरा इंतकाम देखेगी। अब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता भाई साहब, अभी रात के देख लो 8:30 बज रहा है। ऐसा कि नमाज हुई है, थोड़ा देर और आधा घंटे तो हो ही गया, आया था कपड़ा प्रेस कराने कफिल के लिए। ओ भाई साहब, ये भाई साहब कपड़ा दे रहे हैं, कितना पैसा हुआ? 70 रियाल का मोटा भाई। ये मशीन कितने का होगा? 33,000। 30,000 रियाल ये मशीन कपड़ा प्रेस करने वाले, सो क्या बोलते हैं अरबी में? मक्टीना। चलो ठीक है, शुक्रन। रख दिए कपड़ा गाड़ी में, चलते हैं अब यहाँ से, इस तरफ चलते हैं रूम पे। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के सहबाज ब्लॉग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।